अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज किस वीडियो में हम कहानी उस्तानी और टैक्सी ड्राइवर के किस नंबर 26 बयान करेंगे। और अगर आप इस कहानी की बाकी एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। चलिए आज के एपिसोड शुरू करते हैं। वो जब कॉलेज से घर जाती थी तो उसे खुद ही खाना गर्म करके खाना पड़ता था, और कभी कभी यूं भी होता था कि उसके लिए रखे हुए सालन से बच्चे बोटियाँ निकाल कर खा जाया करते थे। बच्चों में आपस में प्यार की जगह दुश्मनी थी, क्योंकि इस घर में प्यार का वजूद ही नहीं था। हर बात डांट डपट के लहजे में होती थी। बाप बच्चों और उनकी माँ को कैदी समझता था। उनकी हर हरकत उसे बुरी लगती थी। यूं लगता था जैसे वो उन्हें मुंह नहीं लगाना चाहता। निगत को जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती थी वो ये थी कि वो एक लड़की है। अगर लड़का होती तो उसे माँ बाप का प्यार मिल जाता। ये वहम उसके दिल में बैठ गया था कि वो एक बेकार चीज है और उसे कोई भी नहीं चाहता। इस वहम ने उसे कमतरी के शदीद एहसास में मुब्तला कर दिया था। उसे मेरा घर अच्छा लगता था। मैं उसे 7वें 8वें रोज अपने साथ अपने घर ले जाती थी। बाज़ औक़ात वो पिछले पहर भी आ जाया करती थी। उसे कम से कम ये सहूलत थी कि मेरे घर आने की इजाज़त मिल जाती थी। कई बार ऐसा हुआ कि वो 3-3 घंटे मेरे घर रही। हमने साथ खाना खाया, चाय पी, तो पूरा कुंबा इकट्ठा बैठा। जैसा कि मैं कह चुकी हूँ कि मेरे अब्बा जान महफिल की जान होते थे। निगत का दिल हमारे घर लग गया और उसे भी शगुफ्ता बातें करने का ढंग आ गया। मेरे बाद उसे मेरे घर में जो फर्द अच्छा लगता था वो मेरे अब्बा जान थे। निगत अक्सर कहा करती थी कि तुम्हारे अब्बा जान को मैं एक बाप नहीं बल्कि पीरो मुर्शिद समझती हूँ। बाज़ औक़ात उसके आंसू निकल आते थे और वो कहती थी कि काश मेरे अब्बू जान भी ऐसे होते। वो ठीक कहती थी, मेरे अब्बा जान सिर्फ हमारे बाप ही नहीं थे बल्कि दोस्त और हमजोली भी थे। वो अगर निगत के बाप की तरह मुंह बसोरना और घर में मार कुटाई करना चाहते तो उनके पास बहुत सारी वजूहात थी। हम अपनी इतनी बड़ी हवेली और घर का सारा सामान मशरकी पंजाब में गंवा आए थे। मेरे दादा जान हिजरत के दौरान फौत हो गए थे। उन्हें रास्ते में ही दफन कर दिया गया था। मुतासरीन के कैंप में कई तरह की जिल्लत और मुश्किल देखी, भूख देखी। पूरा एक साल पुराने कपड़ों की मुरम्मत करके इस्तेमाल किया, और जब एक मकान अलाट हुआ तो मेरे ताया जान ने चोरी छुपे पूरे का पूरा मकान अपने नाम अलाट करवा लिया। और उसके दो बड़े बेटू ने मेरे अब्बा जान को ऐसी बेहूदगी से परेशान किया कि हम लोग वहां से निकलने पर मजबूर हो गए और एक बार फिर मुहाजिर बन गए। फिर ये मकान सरकारी किराए पर मिला और हम चिड़ियों की तरह नया घोंसला बनाने लगे। उनसे ज्यादा मसाइब और क्या होंगे, लेकिन अब्बा जान ने तमाम मुश्किलात का मुकाबला किया और हमें महसूस नहीं होने दिया कि ये कोई मुसीबत है। ये ज़हनी रुझान का फ़र्क होता है। निगत का कुंबा ख़ानदानी था, इतना बड़ा उनका अपना मकान था, हर आसाइश मुयसर थी, कोई मुसीबत नहीं थी। मगर उसका बाप अपनी जिम्मेदारियों और अपने बच्चों को ही मुसीबत समझ बैठा था। इस रुझान का असर जो बच्चों पर पड़ रहा था वो निगत की रगों में जहर की तरह भर गया था। वो मेरे घर आती थी तो उसका चेहरा कभी तो चमकने लगता था और कभी बुझकर मुर्दा हो जाता था। उसके अंदर प्यार की जो शिद्दत थी वो इस तरह जाहिर होती थी कि वो मेरे अब्बा जान के पास बैठने की कोशिश करती थी। अब्बा जान उसके साथ प्यारी प्यारी बातें और हंसी मजाक करते थे। जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा था वो अपने घर से मुतनफ़िर और मेरे घर की शिदाई होती जा रही थी। नाजरीन आगे क्या हुआ वो देखने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।